लेकिन 2 मिनट में उन्होंने भारी प्रशंसा की मेरी, बहुत प्रशंसा। मैंने उनकी प्रशंसा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, साधु प्रशंसा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और प्रशंसा पर ध्यान जाने लग जाए उसी समय साधु की साधुता खंडित हो जाती है। प्रशंसा पर यदि ध्यान जाने लग जाए तो अतिशय खत्म हो जाएगी, प्रशंसा पर ध्यान जाने लग जाए तो जो अलौकिक शक्तियां जागृत हैं वो नष्ट हो जाएगी। सभी लोग इस प्रसंग में एक मंत्र ले ले, यदि तुम्हारी कोई प्रशंसा हो रही है और तुम्हें रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, समझ लेना TADA कट रहा है, तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, तुम्हारी शक्तियां नाश हो रही है, नाश हो रही है। और जो अतिशय तुम्हारा प्रशंसा के पहले था, प्रशंसा सुनने के बाद रस ले लिया, सारा पुण्य नष्ट होकर पाप में परिणत हो जाता है। अपने स्वयं की प्रशंसा सुनते समय उदासीन रहना, मन से वचन से काय से ऐसे रहना जैसे हमने सुना ही नहीं है। और यदि हमें रस आ गया, मेरी इतनी प्रशंसा हो रही, मेरे इतनी जय जयकार हो रही, कल थोड़ा और ज्यादा करूंगा तो और जय होगी, इतना इतना चारों तरफ मेरी प्रशंसा हो रही, कल मैं और करूंगा और प्रशंसा होगी, रस ले लिया ना पुण्य पाप बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सनत कुमार चक्रवर्ती, मैं कोई भी बात कहता हूं तो आगम से बोलूंगा, उदाहरण दूंगा। सनत कुमार चक्रवर्ती का इतना पुण्य था कि इतना सौंदर्य था कि देवताओं में चर्चा हुई, बस जैसे देवताओं ने आके प्रशंसा की उसने प्रशंसा में रस ले लिया। अच्छा, मेरे सौंदर्य की चर्चा देवताओं में हो रही है, देवता मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ओहो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हां साहब, आपका रूप जो मैंने देखा, जैसा स्वर्गों में सुना था उससे कई गुना आपका रूप देखा, बस इसके मन में भाव आ गया। बोले जब अभी मैं सुबह व्यायाम कर रहा हूं, इस समय इतना सुंदर रूप है, अरे साहब अभी आप बहुत जल्दी आ गए, अभी तो मैं कुछ भी नहीं लग रहा हूं, राजसभा में आना जब मैं पूरे 14 श्रृंगार करके बैठूंगा तब देखना मेरा रूप। रस ले लिया, अपनी प्रशंसा में रस ले लिया, अपनी प्रशंसा को उसने गौर से सुन लिया, अपनी प्रशंसा में वह डूब गया। एक अंतर मुहूर्त बाद सुंदर सी काया कोढ़ग्रस्त हो गई, कोढ़ग्रस्त हो गई, कोई पाप नहीं किया था अभी सनत कुमार चक्रवर्ती, मात अपनी प्रशंसा में रस ले लिया, सब खत्म। और ऐसा गले सोर कोढ़, उस जैसा गंदा कोई नहीं था, 1-48 मिनट पहले उस जैसा सुंदर नहीं था और 1-48 मिनट बाद उस जैसा गंदा नहीं था, दुर्गंध आने लगी शरीर से, कीड़े पड़ गए, मात एक प्रशंसा। कभी भी ध्यान रखना, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे उसमें रस मत लेना, काम तुमने प्रशंसनीय किया है, तुम प्रशंसा के योग्य हो, लोग झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तुम प्रशंसा के योग्य हो, और वो प्रशंसा करके पुण्य कमा रहा है। प्रशंसनीय कार्य करने बाद भी प्रशंसा सुनने में रस मत लेना। पहला, प्रशंसा के लिए ख्याति पूजा के लिए कोई काम मत करना, नाम के लिए कार्य मत करना, नामकरण के कारण जो व्यक्ति कार्य करता है ना, कार्य अच्छा है, कार्य धर्म का है, लेकिन रुचि क्यों नहीं ले रहे आप? बोले मेरा नाम ही नहीं हुआ, नाम तो दूसरे का होगा। ये भाव तुम्हारे मन में आ गया, तुम में जो आज कार्य करने की क्षमता थी अतिशय था, कल खत्म हो जाएगा।
क्योंकि तुमने जान रहे हो अच्छा कार्य है, सही है, करना चाहिए, लेकिन मात इसलिए नहीं किया कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं हो रहा था। उसी दिन समझ लेना आपका डाउनफॉल चालू हो गया, आपके बुरे दिन आना चालू हो गया, आपका पुण्य क्षय हो गया। दूसरा, यदि आपने कार्य किया है और कोई प्रशंसा कर रहा है तो रस मत लेना, वो करेगा, तुमने अच्छा कार्य किया है, तुम हो भी प्रशंसा के, लेकिन रस नहीं लेना, उदासीन रहना, मन में सोचना मैंने इस प्रशंसा के लिए काम नहीं किया था, ये काम प्रशंसनीय था, प्रशंसा के लिए काम नहीं किया था, ये काम प्रशंसनीय था, नाम के लिए काम नहीं किया था, ये काम नामी था। नाम में और नामी में कितना अंतर है भैया, ये काम नामी था, नामी यानी नेक था, अच्छा था, मैंने नाम के लिए नहीं किया, नामी काम किया, मैंने प्रशंसा के लिए काम नहीं किया, प्रशंसनीय कार्य किया है, ये कार्य प्रशंसनीय था इसलिए मैंने किया है, प्रशंसा के लिए नहीं। देखो एक शब्द में कितना, प्रशंसनीय कार्य करना पुण्यवर्धक, प्रशंसा के लिए करना पाप वर्धक, नाम के लिए काम करना पाप वर्धक और नामी काम करना पुण्यवर्धक। मैंने इसके लिए किया नहीं, रुचि नहीं लेना ज्यादा, लोग तुम्हें प्रशंसा की भट्टी में ढाल करके तुम्हारा सब कुछ मिटा देंगे। प्रशंसा की आग एक ऐसी आग है जिस आग में अच्छे अच्छे लोग जल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जलकर भस्म हो गए प्रशंसा की आग में, बर्बाद हो गए। और प्रशंसा की आग, प्रशंसा सुनने की जिनको आदत पड़ जाती है उन्हें दुनिया ठग लेती है, दुनिया बुद्धू बना देती है, जो चाहे उनके दो प्रशंसा करो और जो चाहे काम करा लो। व्यक्ति को ये सबसे बड़ी कमजोरी, यह कमजोरी दुनिया की पकड़ में मत आने देना महानुभाव, मत आने देना, मत आने देना। यदि तुम्हारी ये आदत दुनिया ने पकड़ ली कि इस व्यक्ति की प्रशंसा करो और कार्य कराओ, तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, बर्बाद हो जाओगे। और ये प्रशंसा के आग से बचना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे ज्ञानी प्रशंसा की आग में डूब जाते हैं, अच्छे अच्छे तपस्वी प्रशंसा की आग में बर्बाद हो जाते हैं, अच्छे अच्छे, प्रशंसा एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े लोग भी धराशायी हो गए। एक बहुत अच्छा जोक आ गया ध्यान में, एक व्यक्ति था, उसके तीन बेटे थे, तीनों तोतले थे, तोतले थे। अब जब भी वो कोई उनको देखने आवे तो उनसे जैसे ही बोले हुए तोतले थे तो लोग चले जावे। बाप परेशान है, बोले तुम्हारे तोतले के कारण, तो उन्होंने कहा देख बेटा आज देखने वाले आ रहे हैं, तुम तीनों बोलना मत, वे बोलेंगे जवाब मैं दूंगा, और वे कहेंगे बेटे क्यों नहीं बोले, हमारे बेटे इतने सभ्य हैं कि बड़ों के सामने बोलते नहीं, बड़ों के सामने नहीं बोलते और बड़ों के संबंध चर्चा नहीं करते। अब देखने वाले आए कुछ भी पूछे लड़कों से, बाप जवाब दे, वो कहें भाई तुमसे नहीं चाहिए मुझे, तुमसे इनसे नहीं, नहीं मेरे बच्चे बड़ों के सामने नहीं बोलते, बहुत सभ्य है। लड़की का बाप बहुत होशियार होता है, ध्यान रखना, संसार में सबसे ज्यादा होशियार होता है तो लड़की का बाप, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को पराए हाथ में सौंपना है बहुत सावधानी से, प्राण निकलते हैं बाप के, पराए अनजाने हाथ को सौंप रहा हूं और बेटी जैसी वस्तु कांप जाती उसकी आत्मा। दुनिया के कितने बड़े काम करे उसकी आत्मा नहीं कांपती। हर माँ बाप की आंख जब बेटी को पर के हाथ में सौंपना निश्चित करते हैं तब कांप जाती है, बहुत होशियार होता। वो बेटी का बाप ऐसे ही दे दे, उसने कहा ठीक था। उसने भी कहा क्या आपके बेटे हैं,
क्या आपका ये बेटा तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मैंने तो देवताओं के जैसी सुंदरता है, इतना सुंदर देव बेटा, इतना सुंदर बेटा, ऐसा क्या है, ओहो। और लगा उस बेटे की प्रशंसा करते करते। अब बेटे को बाप ने क्या कहा था, चुप रहना। अब उसने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि वो अंत में बोल पड़ा, अरे अभी क्या देखिया मेरा, अभी क्या देखो है तुमने, अभी तो हमने तिलक नहीं लगाओ, अभी तो हमने तिलक नहीं लगाओ, अरे ये तो तोतला है, बोल पड़ा। दूसरा बाजू में बैठा था, अरे क्यों ने तू बोल पड़ा, बाप ने टाट रही थी, वो बोल गया। तीसरे ने कहा, पापा 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 तुम बोले और तुम बोले, हम तो टुप्पैटा, तीनों बोल गए। किसने बिगाड़ दिया काम, प्रशंसा की भट्टी से बचो। निंदा की भट्टी में बहुत कम लोग जलते हैं, प्रशंसा की भट्टी में जलने वालों की अनगिनत है। निंदा की भट्टी में ज्यादा नहीं जलते लोग, कोई उनकी निंदा कर जाए तो ज्यादा देर तक उनको सहन नहीं होती, लेकिन प्रशंसा की भट्टी में तो ऐसे जलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जल रहा हूं, आनंद में डूब जाते। प्रशंसा की भट्टी शराबी जैसी है और निंदा की भट्टी जैसे आग लगती है ना, तो जलता है व्यक्ति, तड़पता है निंदा की में। प्रशंसा की भट्टी तो शराब पीने के बाद आग में गिरता है, पता ही नहीं चलता कि मैं जल रहा हूं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, जिस व्यक्ति ने प्रशंसा की भट्टी में जलना बंद कर दिया, कितनी तुम प्रशंसा करो मेरे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बटरंगबाजी, चमचागिरी, प्रशंसा, मक्खन पालस, क्या कहते लोग,